इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज़ ऑल्सो परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एंड ऑल्सो ऑल इंडिया बॉडी बिकॉज इट इज़ कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। आर्टिकल 324 के अंडर में ये इलेक्शन कमीशन बॉडी बनी थी टू कंडक्ट फ्री और फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन लुक आफ्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटी। फॉर दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन करवाती है और जो नेशनल इलेक्शन कमीशनर कमीशन है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाती है। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशनर एंड इलेक्शन कमीशन, देयर आर थ्री मेंबर्स। वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर। President appoints them for 6 years or until the age they attain up to 65 years. Chief Election Commissioner acts as a chairman when any other election commissioner is appointed. देखिए Chief Election Commissioner जो है chairman की तरह react करता है when कोई भी election commissioner other election commissioner appoint किया जाता है। The President may also appoint a regional commissioner if required. जब भी कोई इलेक्शन होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि भाई उनको ज़रूरत है अगर कोई एडिशनल कमिश्नर की ज़रूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स गोइंग टू इलेक्ट गोइंग टू पोल। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई उनको और भी कमिश्नर चाहिए तो वो प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देता है। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। जो सैलरी होती है, जो टर्म्स, जो टेन्योर होता है वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे तो इनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं, उनको जो लगते हैं कि ये डिजर्विंग है उनको ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इट्स मेंबर्स। They can resign or can be removed any time. Chief Election Commissioner कभी भी अपने आप से resign कर सकते हैं और वो President के through भी कभी भी remove किए जा सकते हैं। But they can be removed as the same manner and on the same grounds as a judge of Supreme Court. Supreme Court के जो judge होते हैं वैसे जैसे ही उनको removal होता है उनका, वैसा का वैसा ही removal Chief Election Commissioner का भी होता है। जो Supreme Court के judge होते हैं उनका जो रिमूवल होता है वो होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी। दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी। या तो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए या फिर अंडर कैपेसिटी हो तब एक रेजोल्यूशन पास होता है दोनों ही हाउसेस में और स्पेशल मेजोरिटी फाइंड आउट होती है कि भाई दोनों में स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में, तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर आर रिमूव्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब अदर मेंबर्स होते हैं तब रिक्रूटमेंट के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट एज ए चेयरमैन, तो जब उनका रिमूवल होता है तब भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी दे ऑल्सो एट दैट टाइम एक्ट एज ए चेयरमैन, तो उनके रिकमेंडेशन पे ही अदर मेंबर्स को निकाला जा सकता है। तो ये हिरार्की हो गई। एक तरह से देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है कि अपने अंडर में जो मेंबर्स हैं उनको निकाला जाए, मगर दूसरी तरह से देखा जाए तो तीनों ही मेंबर्स के पास सेम पावर होती है क्योंकि जब वो डिसीजन लेते हैं तो उनकी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फ्रॉम 1950 ओनली वन चीफ इलेक्शन कमीशन टिल 1989। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, तो उस टाइम केवल एक ही हुआ करते थे और ये सिंगल मेंबर बॉडी थी।
that was gone till 1989. After that, 61st Constitutional Amendment Act was passed and voting age was reduced from 21 to 18. So these 3 years group members was increased, therefore the burden was increased and we required more commissioners. Then two more election commissioners were appointed, but till 1990. After that, in 1990 again two posts were abolished. उसके बाद अगेन दोनों कमिश्नर को हटा दिया गया, ऐसा लगा होगा कि ज़रूरत नहीं है. बट अगेन इन 1993 टू इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड एंड दे आर टिल टुडे. फिर उसके बाद फिर से ऐसा लगा कि हाँ नहीं, सही था कि दो इलेक्शन कमिश्नर चाहिए हैं, क्योंकि ये लोड बहुत बड़ा होता है. तीन साल का एज ग्रुप जो है वो बड़ा, तो काफ़ी लाखों में जो है ना संख्या में बढ़ गया इलेक्शन, तो वो उसमें क्या हुआ कि बढ़ा दिया गया. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी एज ऑल द थ्री कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स. देखिए डिसीजन जब लेना होता है इलेक्शन कमीशन को, तो उसमें मेजोरिटी से डिसीजन होता है बाय कंसेंट. उसमें ये नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर है, जबकि देखा जाए तो रिक्रूटमेंट और रिमूवल के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर होती है. बट जब डिसीजन लेते हैं ना, तब दे ऑल आर इक्वल. नेक्स्ट, दे रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, डिक्लेयर्स डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन. वो डेट भी तय करते हैं कि उस दिन कोई और जगह कोई और कॉन्फ्लिक्ट ना हो डेट का, और शेड्यूल भी तैयार करते हैं. दे स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स फॉर देयर वैलिडेशन एंड एलिजिबिलिटीज ऑल. दे ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी गिवन ग्रांट ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज. भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पार्टी बनाते हैं, कुछ को आप स्टेट पार्टी बनाते हैं, तो ये भी एक रिकॉग्निशन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू. दे अलॉट इलेक्शन सिंबल. इलेक्शन सिंबल भी उनके थ्रू ही जो है वैलिडेट किया जाता है कि ये इनका इलेक्शन सिंबल ऑथराइज्ड हो गया है. दे सेटल डिस्प्यूट्स ऑन रिकॉग्निशन एंड सिंबल्स. कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल और स्टेट एनीवन एंड द सिंबल्स, कोई भी सिंबल्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी दे सेटल. दे अपॉइंट ऑफिसर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस. वेयर एवर द इलेक्शन कंडक्ट्स द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड, सो इलेक्शन कमिश्नर यूज टू अपॉइंट द ऑफिसर्स एट दैट प्लेस. दे एडवाइज टू द प्रेसिडेंट आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर कोई डिस्क्वालीफाई माना जाता है, तो उसकी जो है रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, प्रेसिडेंट को देनी होती है. दे ऑल्सो एडवाइज टू द गवर्नर आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इट इज़ ऑब्वियस दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज हेडेड बाय द गवर्नर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, सो रेस्पेक्टिवली दे गिव देयर एडवाइसेस टू देम. दे ऑल्सो कैंसिल द पोल्स if there any booth capturing or any violence occurs. कोई भी तरह की घटना हो जाती है तो उस टाइम अगर इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि यहाँ पर इलेक्शन इफेक्ट हुआ है, तो वो उस पोल को कैंसिल भी कर देते हैं. फॉर एडिशनल स्टाफ रिक्वायर्ड दे रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर. जैसे भी अगर स्टेट के अंदर ज़रूरत है तो वो गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, और अगर उन्हें पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जरूरत पड़ती है, तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं. तो इस तरीके से दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक. थैंक यू.